गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आओ आओ मायरा, मुझे तुमसे कुछ अत्यंत आवश्यक बात करनी है। सर मुझे भी आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कल आप मेरे घर में करेंगे? करेंगे, वो भी बात में करेंगे, लेकिन पहले तुम ये देखो। लाइफस्टाइल ऑफ वुमेन ओवर 40, मैं कुछ समझी नहीं सर। हाँ देखो मायरा, ये मेरी कल्पना का प्रतिरूप है। जो हमारा चैनल है उसकी जीवन शैली अनुभाग में ये विशेष अंग तुम प्रस्तुत करो। 40 साल से ऊपर महिलाओं की जीवन शैली। Sounds interesting, sir. हाँ, देखो अधिकतर जो चैनल है वो 16 साल की आयु से लेकर 30-35 साल की आयु की महिलाओं के बारे में दिखाते हैं। 40 साल से ऊपर की महिलाओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन भाई उनकी वेशभूषा क्या है, रहन सहन क्या है, सेहत के बारे में जानकारी, ये सब भी तो जरूरी है ना। तो हमारा चैनल 40 साल से ऊपर की महिलाओं की जीवन शैली के बारे में चर्चा करेगा। सर आइडिया तो बहुत अच्छा है। पता है मुझे, पता है मुझे। लेकिन इस काम को अब तुम आगे बढ़ाओ है? और देखो कितना बढ़िया कार्य है। इसकी रिसर्च करने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। इस विषय पर रिसर्च करने के लिए तुम घर से ही शुरू कर सकती। हाँ माता जी के जीवन के बारे में रिसर्च करो है, देखो उनकी दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मामा बोलो। तूने कहा था ना फोन करने के लिए, कबीर घर आ गया। कल क्या वो फ्री है, मैं उनसे भेंट करने के लिए आना चाहता हूँ, न्यूज के बारे में जानकारी लेने। हेलो मामा, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद, मुझे सुनाई। अरे लाओ, मैं बात करता हूँ। अरे सुन, मैं कह रही हूँ मैं फोन रख रही हूँ। और तू भी उनके कैबिन से जल्दी निकल, इतना टाइम उस पागल के साथ बिताएगी उतना ही घर आके हम पे गुस्सा निकालेगी। अरे संकी से दूर रहना ही भला। हेलो 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 मिसेस कोहली, कैसी हैं आप? शिखावत जी, मैं एकदम ठीक हूँ। वो मायरा कहाँ गई? हाँ हाँ, मायरा से बात कीजिए। हाँ मामा बोलो। अरे तूने उन्हें क्यों फोन पकड़ा दिया था? मैं क्या क्या बोल गई, पागल सनकी बुढ़ा पता नहीं क्या क्या, हद दे मायरा। अच्छा मामा मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। आप तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत
नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी